माननीय उपसभापति जी, कल से नेता प्रतिपक्ष आजाद साहब ने जो बहस आरंभ की है, सदन में लगभग सभी पक्षों के लोगों ने एक स्वर में हिंसा की निंदा की है। आजाद साहब ने जब अपना आरंभिक भाषण शुरू किया था तो एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ, एक राजनीति से थोड़ा ऊपर उठते हुए, कि देश के कई प्रांतों में जो घटनाएं हुई हैं उसकी निंदा भी की, और आरंभ में उन्होंने ये कहा भी कि मैं इसको राजनीतिक रंग देना नहीं चाहता। वो एक बहुत जिम्मेवार नेता हैं, लेकिन क्योंकि राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं तो अंत में औपचारिकता के नाते उनको थोड़ा सा राजनीतिक दंग देना पड़ा। विषय गंभीर है, और इसलिए अगर इसको हम राजनीति में बांट देंगे तो मुझे लगता है कि देश के साथ न्याय नहीं होगा। दो विषय इसमें स्पष्ट रूप से आते हैं, और इससे पहले मैं दूसरे पे जाऊं, क्योंकि कई बार दोनों को जोड़ने से इफ्स एंड बट्स लग जाते हैं, और उस इफ्स एंड बट्स में खतरा होता है कि किसी प्रकार की जो गलत घटना है कि क्या कोई उसका एक्सप्लेनेशन या रैशनलाइजेशन कर रहा है। मैं वो करना नहीं चाहता, और इसलिए सरकार का स्पष्ट मत है। माननीय गृहमंत्री जी ने पहले दिन से, और तीन अलग अलग अवसर जब मिले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो गौ रक्षा के नाम पर लोगों ने कानून अपने हाथ में लेकर हिंसा की घटना की है उसकी घोर निंदा की, और किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन भी, जो गाय के प्रति हमारी श्रद्धा है वो विषय अलग है, वो श्रद्धा हिंसा का कारण नहीं बन सकती, और इसलिए मैं स्पष्ट हूं इस बात में, और मैं चाहूंगा कि सारा सदन जिस स्वर में बोला है हम सब एक स्वर में उसकी निंदा करें और उसको रोकने का प्रयास करें। वायलेंस कैन नेवर बी अ पार्टीसन इशू। वायलेंस कानून टूटता है, वायलेंस में व्यक्तियों की जान जाती है, और इसलिए किसी प्रकार का उसका कोई एक्सप्लेनेशन, रैशनलाइजेशन, भावना को ठेस पहुंची इसलिए हिंसा की, यह तर्क हो नहीं सकता। हमें याद रहे कि हम विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, और लोकतंत्र की मर्यादा के अनुकूल जो संविधान हमारे देश में बना उसमें सबको बराबरी का अधिकार भी है और अपने धार्मिक विश्वास का अधिकार भी है, और हम लोगों की एक जो संस्कृति रही है, जो कल्चर रही है, वो एक दूसरे का आदर करने की भी है, एक दूसरे की भावना का आदर करने की भी है, और उसके अनुकूल दूसरे को बर्दाश्त करने की भी है, विपरीत को बर्दाश्त करने की भी है, जिसे हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट और टॉलरेंस कहते हैं। कई बार कई ऐसे धर्म मजहब हैं, हम में से सब उसमें किसी ना किसी में विश्वास रखते होंगे, कुछ नहीं रखते, किसी भी विश्वास का मजाक भी उड़ाया जा सकता है, तर्क के आधार पर उसको छोटा करने का प्रयास भी किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं करते। कारण उसका बड़ा स्पष्ट है कि हम वी हैव एन एलिमेंट ऑफ टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और इसलिए हिंसा पार्टीशन इशू नहीं हो सकता। पार्टीशन दृष्टि से या विचार की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से उसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, और इसलिए मैंने स्वयं, मेरे पास पूरा चार्ट है, जितनी घटनाएं हुई हैं केवल निंदा कर देना बयान देकर इतना नहीं है, और यह कहना कि भाई आपके पास कोई विकल्प नहीं था इसलिए आपने निंदा की, और किसी ने यह कहा कि भाई निंदा कर दी और लोगों को कहा हिंसा करते रहो, मेरे पास पूरा चार्ट है कि हर घटना के संबंध में
जिस प्रांत में भी घटना रिपोर्ट हुई, माननीय गृह मंत्री जी उनको पांव में चोट लगी है, घर पर हैं, प्लास्टर में है उनका पांव, लेकिन टेलीफोन पे वहां के मुख्यमंत्री से बात हुई, वहां किस किस को अरेस्ट किया गया उसकी जानकारी ली गई, और जितनी घटनाएं अभी तक हुई हैं उसमें हर एक में कानूनी कार्रवाई एक व्यवस्थित सिस्टमैटिक तरीके से हुई और हर एक में लोग गिरफ्तार हुए और वो सारे गिरफ्तार लोग, अरेस्टेड लोग आज भी जेल में हैं। दे आर ऑल गोइंग टू बी चार्ज शीटेड अगेंस्ट होम एविडेंस इज गोइंग टू बी फाउंड एंड देन प्रोसिक्यूटेड फॉर दी ऑफेंसेज दैट दे हैव कमिटेड। ये बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें मैं कोई इफ एंड बट नहीं जोड़ना चाहता। जहां तक गाय का विषय है, मैं सभी माननीय सदस्यों से इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि जब हम टॉलरेंस की बात करते हैं तो देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी उसके प्रति एक श्रद्धा है, और ये कोई हमारी सरकार के आने से नहीं हुई। संविधान सभा में बहुत लंबी चर्चा इस विषय को लेकर हुई। थोड़ा सा आजाद साहब, आप और आपके सहयोगी भी इस बात पर विचार करें कि क्या हमने सेक्युलरिज्म की परिभाषा को इतना विकृत कर दिया कि जो 70 साल पहले चर्चा थी तो आज थी। मैं उसका उदाहरण देता हूं, आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते और डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में खड़े होकर कहते, मैं सिर्फ आर्टिकल 48 पढ़ देता हूं, ये उन्हीं का बनाया हुआ आर्टिकल है, द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस एंड शैल इन पर्टिकुलर टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इंप्रूविंग द ब्रीड्स एंड प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज और काव्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल। ये नरेंद्र मोदी जी ने या राजनाथ सिंह ने नहीं प्रपोज किया था, ये पंडित नेहरू के समय में जब वो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, और सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको संविधान में डाला। इट्स अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 48। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इंप्रूविंग द ब्रीड्स एंड prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught animals, कि राज्य कदम उठाएगा गाय की हत्या पे प्रतिबंध लगाना, और केवल गाय नहीं, cows and calves and other milch animals, दूध देने वाले अन्य जानवरों को। इसके पीछे आर्थिक रैशनल भी हो सकता है, इसके पीछे सांस्कृतिक और धार्मिक रैशनल भी हो सकता है। ये सारे विषय कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुए, और शायद वो हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने ये सोचा कि सर्वसम्मति एक मत से ये संविधान के अंदर डाला जाए। उस वक्त जब ये संविधान में आ गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आया, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आने के बाद ये राज्यों का अधिकार था, जो 7th शेड्यूल है संविधान का, जिसमें अधिकारों का बंटवारा हुआ कि केंद्र का कौन सा अधिकार है, राज्यों के कौन से अधिकार हैं, तो स्टेट लिस्ट में एंट्री 15 डाल दी गई। और स्टेट लिस्ट की जो एंट्री 15 है वो ये है, प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड प्रिवेंशन ऑफ एनिमल डिजीजेस, वेटरनरी ट्रेडिंग एंड प्रैक्टिस। और हर राज्य ने यह माना कि आर्टिकल 48 को अगर लॉजिकल एंड पे ले जाना है तो राज्यों की विधानसभा के पास अधिकार है कानून बनाने का। उस वक्त ना भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनसंघ की तो एक भी राज्य में सरकार नहीं थी, पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे।
सन 50 के दशक में अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारों ने एक के बाद एक सबसे पहले मध्य प्रदेश में लाए और उसके बाद हर प्रांत में कानून बनाया, जितने प्रांतों में बन सकता था, नॉर्थ ईस्ट में नहीं बना, गोवा में नहीं बना, केरल में नहीं बना, वेस्ट बंगाल में नहीं बना, ये इन चार पांच क्षेत्रों को छोड़ के बाकी सारे हिंदुस्तान में जो एक प्रकार से 80-85% इस देश की पॉपुलेशन जिन प्रांतों में है, उन प्रांतों में कानून बना कि काउ स्लॉटर प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। और उसके पीछे पंडित जी जानते थे, पंडित जी ओवर रिलीजियस नहीं थे, सेक्युलरिस्ट थे। अगर मैं तुलना करूं पुराने प्रधानमंत्रियों की तो शायद इंदिरा जी रिलीजियस ज्यादा थी, लेकिन पंडित जी के जमाने में कानून बना कि भाई गाय का एक हमारी संस्कृति में एक स्थान है, इसलिए काउ स्लॉटर प्रोहिबिटेड होगा। मैं आपसे प्रश्न एक पूछना चाहता हूं आजाद साहब, मतलब इसको उत्तर देने की दृष्टि से नहीं, लेकिन सोचिए कि 70 साल में आज अगर डॉक्टर अंबेडकर जीवित होते और ये कानून लाते दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अ लॉ प्रोहिबिटिंग काउ, तो शायद सतीश मिश्रा जी की पार्टी सबसे पहले खड़े होकर कहती डॉक्टर अंबेडकर कम्युनल है। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत किया और ये गलत है हम, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसके नाम से आप किसी को मारेंगे, आप काउ स्लॉटर का कानून जो है वो सबको ही वेलकम कर रहा है, कौन मना कर रहा है? Nobody is objecting, but if you are saying that कि डॉक्टर अंबेडकर मेंट कि आप काउ स्लॉटर के नाम पे किसी को मारेंगे कि शायद ये गाय ले जा रहा है इसलिए इसको मार दो, आधी बात तो आप मान गए हैं, इसकी बात करिए ना, इस कानून का कौन मना कर रहा है? इस कानून का तो सपोर्ट सभी लोग कर रहे हैं, चलो कानून का तो कौन मना कर रहा है? Who's opposing that? सर, बड़े आदर के साथ, मैं उस स्टेट में रहता हूं जहां मुस्लिम मेजॉरिटी, कश्मीर, वहां महाराजा साहब के वक्त में कानून बना है गाय आप स्लॉटर नहीं करते। उसके बाद जब नई सरकारें आईं, शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर भी बने और प्राइम मिनिस्टर कई साल तक, 3-4 हमारे प्राइम मिनिस्टर, उस कानून को किसी ने आज तक नहीं बदला। आज भी कश्मीर जैसी स्टेट में काउ स्लॉटर बैन है। हमने एक सेकंड के लिए भी हमने ये नहीं कहा कि आप काउ स्लॉटर की इजाजत दीजिए, उनको मत पकड़िए। हमारी आपत्ति है, मैंने उधमपुर की मिसाल दी, ट्रक में कोयला है और गाय के नाम पे दो आदमियों को ट्रक समेत जला दिया। मेरी आपत्ति है कि जुनेद ट्रेन में जा रहा है, उसकी लिंचिंग की गई, वो गाय कहां थी ट्रेन में। मेरी आपत्ति है पहलू खान, गाय दूध का उसका बिजनेस है, दूध का, तो अच्छी नस्ल की गाय लाया तो मार दिया। हमारी आपत्ति उसमें है कि गाय रखने में आखिर क्या दूसरी धर्म का आदमी घर उसका बिजनेस नहीं करेगा क्या, उसका क्या दूध नहीं खाएगा? आज तो गाय के नाम पर जो लिंचिंग हो रही, हमारी आपत्ति उस पर है। हमारी कोई गाय की, हम किसी ने यहां, मुझसे लेकर और किसी ने यह प्लीड नहीं किया है कि गाय का कोई काटेगा या स्लॉटर करेगा, उसको मत छोड़ो। अच्छा, हमारे मेरे और आप में, मेरी और आप में फिर कोई मतभेद शायद नहीं रहेगा इससे, इसमें प्लीज लेट मी जस्ट कंप्लीट बिकॉज human beings in the name of cow. What Ambedkar will do if he is alive today, it's a different thing. I don't think Adad saab, jo aapne kaha, us approach ka aur meri approach mein koi antar nahi hai. Karan bada spasht hai. Independently, just as killing of a human being in the name of cow or assaulting him or lynching him has to be unequivocally condemned,
nobody should try, at least in areas where there is a prohibition, to eulogize the fact that yes, I am proud of this fact that I see nothing wrong in the cow being slaughtered. One of your chief ministers of a prohibited state, prohibited means where cow slaughter is prohibited, had the audacity to say, well, given a choice, I'll eat beef. आपकी जो सबसे बड़ी स्टेट है जिसके पावर में है, और इसलिए इसलिए अगर हम कांग्रेस की भी ट्रेडिशन रखते पुरानी, तो कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसने संविधान का आर्टिकल 48 बनाया, ये बनाया, टेलीविजन कैमरास के सामने कहता मैं कैसे कटती है, काट के केरल में आपको दिखलाऊंगा, और उसके बाद इस गाय काटने के बाद एक फेस्टिवल मनाऊंगा, इसका भी वही, वो भी इतना ही इस देश का नुकसान कर रहा है जितना ट्रेन में चलता हुआ वो गौरक्षक कर रहा है जो गाय के नाम पर मारता है। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेंगे तो हमारा मतभेद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और इसलिए 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 बड़ा स्पष्ट है कि मैंने आरंभ में यह कहा कि मैं इफ्स एंड बट्स नहीं, जितने कानून राज्यों में बने हुए हैं उसमें एक कानून को गाय को बचाने की, प्रिजर्व करने की एक व्यवस्था है, वो अधिकार पुलिस के पास है, राज्य सरकार के पास है, किसी के पास कोई जानकारी है वो राज्य सरकार को दे सकता है। Nobody has a right to take the law in his own hand or train में या सड़क पे या ट्रक को रोक के कहे कि मैं कानून को इन्फोर्स करूंगा और कानून के नाम पर किसी को मारूंगा। और इसलिए कोई करता है तो उसकी निंदा भी होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार भी करना चाहिए, उसको प्रोसिक्यूट भी करना चाहिए, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं कि प्रोहिबिटेड एरियाज में जिन राज्यों ने नहीं प्रतिबंध किया उनका अपना अधिकार है, जिन्होंने प्रतिबंधित किया है कम से कम वहां पे इसको एलिजाइज करना, इसकी प्रशंसा करना और इसको स्वीकार कर लेना, इसको इनकरेज करने की व्यवस्था हम ना करें। नहीं, उसका आनंद जी कारण यह है, मुझे एक थोड़ी सी शिकायत है, मैं तो सामने रखूं, जब हम सिलेक्टिव मोरालिटी और सिलेक्टिव कॉल ऑफ कॉन्शियस में जाते हैं तो यह कठिनाई आती है। दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली के चुनाव से कुछ दिन पहले, और यह तकलीफ है कुछ लोगों को हमारी सरकार के साथ, जुलूस निकलने लग पड़े कि भाई फला जगह चर्च के ऊपर हमला हुआ, देयर नंबर ऑफ चर्च अटैक्स। हमने कहा कि कोई किसी में राजनीतिक कारण नहीं है, कोई कारण नहीं कोई किसी चर्च में करे। पुलिस ने हर केस रजिस्टर किया, हर केस इन्वेस्टिगेट किया, नॉट वन वॉज फाउंड टू बी पोलिटिकली लिंक्ड। और उस चर्च अटैक्स को लेकर न्यूयॉर्क टाइम लीड्स करता है और दुनिया के अंदर हिंदुस्तान में चर्च पे अटैक हो रहे हैं यह प्रचार हो गया और यह पोलिटिकल है। कहीं पता चला किसी बदमाश लड़कों ने शराब पीकर एक बॉटल फेंक दी, कहीं थेफ्ट हो गया, दीज वर द केसेस विच वर फाउंड इन दिल्ली। उसके बाद एक घटना होती है तो पूरी दुनिया में कि इंडिया इंटॉलरेंट स्टेट हो गई। आप आज हालत देखिए जाकर, मैं केवल दुनिया का एक सेक्शन जहां इंटॉलरेंस है, वायलेंस है, मैं उसकी जिक्र नहीं कर रहा, आप लिबरल सोसाइटीज में भी जाकर देखिए कि क्या हो रहा है उन देशों में, उसकी तुलना में हम कहीं आगे हैं अपने डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स में और टॉलरेंस में। और एक प्रचार शुरू हो गया, जिस जिसने वो किया, क्या उन्होंने एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया बना लिया था? अभी हमारे एक साथी ने जब केरल का जिक्र किया तो सम ऑफ माय सीपीएम फ्रेंड्स ऑब्जेक्टेड, बट काइंडली आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ, व्हाई इज इट, वेदर यू डू इट और द अदर्स डू इट,
The atmosphere of violence in Kerala increases the moment left front comes to power. It doesn't increase when United Front comes to power. They have also been in power. They are our opponents. We never had, when Oman Chandy was the chief minister, we never said that there are acts of violence in Kerala. Sir, the number of political killings taking place in Kerala today. All of you stand up. Sit down. No, please. All of you cannot say together. No, please. No, please. Our political... I can identify... Please sit down. Why do you... Hindu Parishad... I mean, Mr. Hindu Parishad, man, throw a bomb in Coimbatore party office. No. Who started it? No. Okay, sit down. My point no, is... No. Okay, please. Now please take your seat. All of you take your seat. Okay, now you... Rajesh, you sit down. Sir, Rajesh, you sit down. Sir. Let the minister continue to... All right. Sit down. You are saying this. You are saying... Let us forget Kerala. Please, I am not yielding, please. He is not yielding, sit down. He is not yielding. Let us forget Kerala. He is not yielding, sit down. He is not yielding. He is not yielding. No, because you are sitting in front. Yeah. He is not yielding, Rajesh. Rajesh, he is not yielding, sit down. Whenever the BJP government came to power, you can see the increase in violence in Kerala. No, sit down. Yeah, sit down. Rajesh, sit down. Not yielding. Rajesh, sit down. Rajesh, take your seat. We have the same. Rajesh, no, you sit down. Now you sit down. Okay. Prior to 2014, the House did not take up the agenda at all. I'll tell you what was happening prior to 2014. I'll tell you. And there is a need to change. You have condemnation. Tapanda, I will tell you what was happening prior to 2014. I mentioned Kerala. The same RSS and BJP is there in Kerala when Mr. Chandy was the chief minister. Not one congressman was killed, not one RSS man was killed. Why is it only happens when left front comes to power? All right. And if you want to know, okay, now you sit down. And if you want to know prior to 2014, if you want to, okay, now sit down. If you want to know prior to 2014, sit down. If you want to know what was happening prior to 2014, I'll only give you one advice. You have chosen a very eminent man as your candidate for the Vice President of India. When you were in power, read every report Mr. Gopal Krishna Gandhi sent about the left front government and you will know what happened prior to 2014. Sir, this is hitting below the belt. This is not acceptable. Sir, Neta Sadan to bade sulje hai, inka bada regard karte hai, lekin ये हमारे विपक्ष का डिवीजन मत करें लिंचिंग पर आ जाए ओके दैट्स ऑल ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस हैज जस्ट सेड एंड थैंक यू वेरी मच दैट यू हैव
during the course of making this observation, acknowledge one good thing. Besides many sterling qualities of our candidate, you acknowledge that he is eminent and he is fair. If that is there, then withdraw your candidate. All right. All right. Sir, I... What you have said is partly correct, not totally. I would request honorable leader of the house, kindly go to details of the note, what exactly he wanted to say. Okay. Then it will be clear that the society, how it is being affected by some antisocial elements, etc. All these things he has narrated. Okay, fine. That's all. Sir. Okay, that's all. Please. Mr. Sen said that this is the beauty of the left. In Marxian terminology, they call it dialectics. And therefore, sir, these are two completely independent. If we are to create an atmosphere in this country where we can get rid of this problem which has arisen on account of some people taking the law into their own hands, I reiterate once again, I need not reiterate the relevance and the high importance of cow in India's culture, that nobody, the government stand is very clear, nobody is allowed to do that. There is no rationalization, no argument of sentiment being hurt can be an explanation for this, and the government is absolutely committed. Whoever is the culprit, the state governments have a responsibility. A written advisory has also been sent. The Home Minister has spoken to each of those state governments, and therefore the law will certainly take its own course in these cases. And no amount of sympathy will be shown for these people, and that is why the Honorable Prime Minister has thrice repeated this entire issue. The second issue which we have discussed, combining with this, is the incidents as far as Dalits and weaker sections of the society are concerned. Sir, the way we have historically treated one section of our own brethren is always a matter, a black mark in our own history. And therefore, we owe it to ourselves, if not to them, to reverse that process of history. And any form of social oppression in the name of caste, there are laws which deal with it. Any incident which takes place, I wish to categorically assure the House that the government is absolutely committed. We have laws in place. And if any such incident where state police is not acting is brought to our notice to this effect, the government would not think twice of requesting the state government, advising the state government, even asking them for report as far as these incidents are concerned. These incidents of atrocities against the Dalits, we have strong laws in place. Everybody has supported those laws. And the government is fully committed as far as their protection is concerned. With these observations, sir, no, please, let him complete. Let him complete. हैं कि इसको हैंडल करने के लिए स्पेशल एक्ट की जरूरत है और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ऑफिसर्स हैंडल कर रहे हैं पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी स्पेशल अकाउंटेबिलिटीज लगाए जाने की जरूरत है। मौजूदा कानून में पर्याप्त प्रोविजंस हैं, हम कानून को दोष ना दें, लेकिन दूसरा जो तर्क आपने दिया है कि जो अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं वो ईमानदारी से करें
और पूरी कार्रवाई करके इन लोगों को सजा करवाए। सरकार इसके लिए बिल्कुल कमिटेड है और इसकी पूरी जानकारी और तय तक जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग जितने भी गृह मंत्रालय से कर सकते हैं निश्चित रूप से। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू।